का। मौलाना साहब अशमत भाई, ये फरमान जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने का बंदोबस्त कीजिए, कल से लागू करना है इसे। जी दरअसल हमने दो एक सरकारी काम के लिए जबान दे रखी है, तो इस सिलसिले में जरा आप लोगों से बात करनी थी। इनायत जी, आप दुकानदारों से खुद मिलिए, अगर एक बाजार बंद होगा तो दूसरे बाजारों के मुसलमान भाई भी हमारी हिमायत के लिए आएंगे। जी जी जी, बेशक बेशक। आपको तकलीफ है कुछ? जी जी नहीं, जी नहीं। अरे कुछ नहीं होगा भाईजान, दो चार दिन का तो बात है, कसूरी साहब का अकड़ कम हो जाएगा, दुकान फिर खुल जाएगा। हाय अल्लाह, 14 दिन काम बंद, बेचारे गरीब काम धंधे वाले चूल्हे कैसे जलेंगे? नदीम भाई, गनीमत है दुकानें बंद करवाई हैं, नहीं तो तोड़फोड़ ही करवाते। तोड़फोड़ ही होना चाहिए था, बिल्कुल सही होता, पुलिस वाले बेवजह तंग करते हैं, एक बार कड़वा जवाब मिलेगा अकड़ ठिकाने आ जाएगी। सुना है रिमांड में बहुत पीट रहे अपने लोगों को, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं? कर क्यों नहीं रहे हैं, कर तो रहे, इसलिए तो बाजार बंद करवाया है। जो लोग प्राइवेट कंपनी में हैं वो लोग जाएंगे कहाँ काम पर? जाने वालों को कौन रोक सकता है, और ये लोग किन किन पे निगाह रखेंगे? ऐसे कैसे होगा बेटा, फरमान है सब पे लागू होता है, देखना तुम कोई नहीं जाएगा काम पे, क्यों भाईजान? अजी, आदाब। आदाब, मैं अनंत जनाने NDTV इंडिया से, मैंने ही आपको फोन किया था। बैठे बैठे, वो हम फोन पे समझ नहीं पा रहे थे, वो हमें कुछ इंटरव्यू के बारे में बता रहे थे। जी दरअसल हम एक स्टोरी कर रहे हैं, वो म्यूजियम वाली गाड़ी पर, बेलवरियर साहब को तो आप जानते ही होंगे, परिवहन निगम के। जी जी जी, बातों बातों में उन्होंने बताया आप ही उस गाड़ी के इंजन को रिपेयर कर रहे हैं, पता चला आप आसपास ही रहते हैं तो सोचा लगे हाथ आपका इंटरव्यू कर लिया जाए। हमारा इंटरव्यू लेके क्या करेंगे आप, हम तो बड़े बदनाम आदमी हैं। मानवेंद्र शुरू करें। जी वैसे हमको करना का है? बस कैमरे में देख के कुछ सवालों के जवाब देने हैं, बस इतना ही। मानवेंद्र रोल। एक 60 साल पुरानी ऐतिहासिक फोर्ड गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जिसका इंजन आज बंद है, एक ऐसी ऐतिहासिक गाड़ी जिस पर एक महान आत्मा की अस्थियों को रखकर संगम तक ले जाया गया, उसकी मरम्मत का जिम्मा एक काबिल मैकेनिक को सौंपा गया है, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हशमतुल्ला साहब, आप गांधी स्मृति वाहन के इंजन की मरम्मत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये कौन सी गाड़ी का बात कर रहे हैं आप? वही वो म्यूजियम की गाड़ी जिसके इंजन की मरम्मत आप। हाँ हाँ, वो तो माफ कीजिएगा, हम इंजन जरूर बना रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस बारे में हमें कोई खबर नहीं है। वही वो फोर्ड V8 वाली अमेरिकन लॉरी का इंजन है, पर गांधी जी का इससे कोई वास्ता है इस बात का हमें कोई खबर नहीं है। आपको पता ही नहीं है? ताजुब देखिए, इसमें ताजुब का बात नहीं है, हमारे पास परिवहन के सालों भर में 200 इंजन आते हैं, हम इंजन दुरुस्त करते हैं, अब वो कौन सी गाड़ी का होता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ना ही हमने कभी पूछा है और ना ही उन्होंने बताया है, पर ये इंजन। तो आपको ये नहीं मालूम कि जिस गाड़ी का इंजन आप बना रहे हैं वो आप क्यों बना रहे हैं? जी नहीं। कमाल है, खैर NDTV इंडिया पे तो आप देख ही लेंगे, लेकिन क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब ये गलत फहमी फैलने लगी कि महात्मा गांधी मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं और उनके सामने झुक रहे हैं, उनको 55 करोड़ दे रहे हैं, इसलिए उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके अस्थियों को हिंदुस्तान की सभी नदियों में बहाया जाए, इसलिए उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों के 20 कलश बना के देश के हर कोने में भेजे गए, उसमें से एक कलश अलाहाबाद लाया गया था, और ये जो गाड़ी जिसके इंजन की आप मरम्मत कर रहे हैं उस पर रख कर संगम ले जाके विसर्जित कर दिया गया था, उन्हीं में से एक कलश
उस समय उड़ीसा की राजधानी कटक में भेजा गया, जहां उसे बैंक के लॉकर में रखा गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, लोग रख के भूल गए या उनको याद नहीं रहा, पता नहीं क्या वजह थी, और वो कलश इतने सालों तक वहीं लॉकर में पड़ा रहा। क्या कह रहे हैं आप? इतने महान आदमी की अस्थियों का कलश हम लोग रखकर भूल जाते हैं, कमाल है। खैर अब तुषार गांधी उनके जो परपोते हैं उन्होंने कलश वहां से कलेक्ट कर लिया है, और मसीह की बात तो यह है कि उसके लिए भी उनको उड़ीसा हाईकोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ी कि भाई ये हमारा सामान है, हमको वापस दे दो। तो अब जाके उनको कलश मिला है। उनकी इच्छा है कि सब कुछ ठीक उसी तरह से हो जैसे 1948 में हुआ था। सरकार ने उनकी बात मान ली है। यही सर्किट हाउस में कुछ दिन दर्शन के लिए कलश को रखा जाएगा, और ये जो गाड़ी बन रही है वो चाहते हैं कि उस पर रख कर उसे संगम तक ले जाया जाए और उसका विसर्जन कर दिया जाए। अब समझ में आया, इतना जल्दी जल्दी काहे कर रहे थे। और आप भी कोई कम सवाब का काम नहीं कर रहे हैं, चलिए शूट करते हैं। जी बेहतर। तुषार गांधी कब आ रहे हैं इलाहाबाद? महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। कैसे कोई इतनी बड़ी गलती कर सकता है? सब सो रहे थे क्या? मुझे तो सुन के अचंभा लग रहा है। रिजवी साहब को फोन किया था क्या? वो बोले थे उनको ऊपर से आर्डर था, किसी से भी जिक्र ना करें। दुकानें बंद हैं क्या उनको मालूम है? हाँ, लेकिन हमने कह दिया कभी उनका काम चालू है। अब आप ही बताइए हम क्या करें डॉक्टर साहब, इतना जिम्मेदारी है, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखो अगर काम जल्दी खत्म करना है तो घर में ले जाके करो। काम ही बंद करने का फरमान है डॉक्टर साहब, ये नहीं कि दुकान का काम आप घर ले जाकर करिए। और हम खुद ही ठहरे जनरल सेक्रेटरी, लोगों को पता चल जाएगा तो हम पर भी फतवा जारी हो जाएगा, बहुत डर लग रहा है। तो फिर चुप चुप आके करो, किसी को पता ना चले। का डॉक्टर साहब, लेथ मशीन, जनरेटर, कटर मशीन सब घर ले जाना पड़ेगा। किसी और मैकेनिक को दिखा दो, मफदरगंज है, गाला बाजार में कोई ना कोई मैकेनिक होगा। अब या फिर लखनऊ से बनवा लो। बरसों पुराना इंजन है डॉक्टर साहब, और पूरे इलाहाबाद में उसे हम ही बना सकते हैं, इसलिए हमारे पास आया। और अब तो वक्त कहाँ है कहीं और भेजने का ना। देखो भाई, अब तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो कमेटी वालों से परमिशन लो कि तुम्हें काम करने दे, या चुप मार के तुम इंजन उनको वापस कर दो। ईमानदारी से ना बोलना खुश करने के लिए हाँ बोलने से कई अच्छा है। बेहतर, हमारा मन तो नहीं मान रहा है पर वापस कर देते हैं भाई, कह देंगे कि नहीं हो रहा, आज लौटा दिया तो ज्यादा से ज्यादा नाम ही खराब होगा, वक्त पर ना दिया तो कितना बड़ा बेइज्जती होगा। अपनी कमेटी वालों से पूछकर तो देखो। ना ना, अभी पूछना ठीक नहीं। देखो मामूली काम तो है नहीं, हो सकता है वो अलाउ कर दे। जी बेलवरियर साहब से मिलना है। हाँ, वो वर्मा जी शर्मा जी अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? ये तो नहीं बता सकता, अब आजकल ना एक जरूरी काम चल रहा है, अब दिन में 10 दफा आते जाते रहते हैं। क्या करें, फोन करें? मेरा ख्याल है कि आमने सामने बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या लगता है कब तक आएंगे? काहे परेशान हो रहे हैं, आ जाएंगे। तब तक एक काम कीजिए, आप लोग म्यूजियम घूमिए। देखिए वो नया गैलरी बना है गांधी जी का, देखिए जाके, उसका टिकट भी नहीं है, फ्री है, जाइए जाइए देखिए। साहब आएंगे तो हम बता देंगे ना।
जाइए जाइए, देखिए। शुक्रिया। चलो जी का गाड़ी बन रहा है वो भी देखना चाहेंगे आप? अरे आइए चलिए मैं दिखला देता हूं आपको। आइए आइए आइए। आइए ये देखिए है ना चकाचक, सब हमारे म्यूजियम का कमाल है। जानते हैं चेन्नई से 6 नए टायर आ रहे हैं। ये कब तक तैयार हो जाएगा? यही 4-5 दिन का काम है, पर असल काम है ना हमारे जात भाई कर रहे हैं। हसमतुल्ला मिस्त्री यही इलाहाबाद के हैं, वही इंजन बना रहे हैं। बस इंजन बन के आया नहीं कि फटाफट चालू हो जाए। अरे साहब से नहीं मिलेंगे का? अरे उनको फोन कर लेंगे। We'll be right back.